नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ विश्वकर्मा पूजा स्पेशल आलू और छेना के लड्डू और पेड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इस रेसिपी को किस तरीके से तैयार किया है। व्रत और फलहार स्पेशल आलू और छेना के पेड़े बनाने के लिए हम डालेंगे घी। अब उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। आलू को बॉईल करके मैंने हल्का सा यहाँ पे मैश कर दिया है। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करते करते हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर करके। तो ये देखिए, आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो सब यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम आलू को और फ्राई करेंगे। आलू में एक कच्चापन होता है और अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो आपकी जो रेसिपी है अच्छी नहीं बनेगी। तो उस कच्चापन को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके लिए आलू को ज़रूरी है अच्छे से फ्राई करना। यहाँ पे हम आलू को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका जो रंग है हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका रंग चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, बट ये थोड़ी सी और फ्राई होगी। ये देखिए, आलू का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हल्की गोल्डन कलर की हो चुकी है। इसके अंदर जितना भी कच्चापन था मैंने भून करके उसको ख़त्म कर दिया है। अब जो हम स्वीट डिश बनाएंगे वो काफ़ी टेस्टी बनेगी और पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये स्वीट डिश आलू से बनाई है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं छेना। होममेड छेना मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी होममेड छेना ही इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहता है। इससे रेसिपी काफ़ी अच्छी बनती है। मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम पे डाल देंगे और छेने को भी हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। आलू के साथ छेने को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। चीनी को मेल्ट होने देंगे। इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। ये एक बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको आप व्रत में भी बना सकते हैं, प्रसाद के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। मैं विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर इस रेसिपी को बना रही हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, लेकिन अभी नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा, महाशिवरात्रि आएगा, उस सभी फेस्टिवल में किसी भी व्रत में आप इसको बना सकते हैं। बना करके आप किसी भी भगवान को भोग भी लगा सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं। ये एक झटपट बनने वाली रेसिपी है जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी मॉइस्चर आया है उस मॉइस्चर को यहाँ पे हमें सुखा लेना है और इस मिक्स को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हमारा मिक्स पूरी तरह से रेडी हो चुका है। गैस को हम ऑफ कर दे रहे हैं और इस मिक्स को हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसके पेड़े या फिर लड्डू, आपकी जो भी इच्छा है आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें थोड़े थोड़े बनाऊंगी ताकि भगवान को भोग लगा पाऊँ, लड्डू का भी और पेड़ा का भी। एक ही मिक्स से हम दोनों चीज़ तैयार करेंगे इसको ठंडा होने के बाद। अब हमारा मिक्स ठंडा हो चुका है तो इसके हम पेड़े और लड्डू बनाना स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स हम अपने हाथों में लेंगे, इस तरीके से इसको लड्डू का शेप देंगे। ये देखिए, आप लड्डू, पेड़े या फिर बर्फी कोई भी चीज़ बना सकते हैं। सभी लोगों के घरों में आलू तो होता ही है, तो आलू से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। काफ़ी अच्छी रेसिपी बन करके रेडी होती है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा मिक्स लेंगे और इसको राउंड कर लेंगे और राउंड करने के बाद बीच से इस तरीके से दबा देंगे। तो ये बन गया हम लोगों का पेड़ा और पेड़े को भी डाल देंगे। इसी तरीके से हम लड्डू और पेड़ा दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। तो सभी को रेडी कर लेती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो
दोस्तों ये देखिए विश्वकर्मा पूजा स्पेशल हमारे आलू और छेना के लड्डू और पेड़े दोनों बनकर के रेडी हो चुके हैं। तो रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पर।